क्या रागिनी नायक है कांग्रेस की घुसखोर प्रवक्ता। राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लगते हैं 10,000 रुपए। पूर्व कांग्रेस नेत्री राधिका खेड़ा ने खोली रागिनी नायक की पोल। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने रागिनी नायक को लेकर के गंभीर खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि एक टीवी डिबेट की जोरदार बहस के दौरान यहां पर राधिका खेड़ा ने रागिनी नायक को लेकर के एक खुलासा करते हुए कहा है कि कैसे रागिनी नायक जो है वो 10,000 रुपए लेती हैं लोगों से ताकि वो राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो क्लिक करवा सके। हालांकि जब इस घुसखोरी का कांड सामने आया और इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी के आला तक पहुंची तो फौरन रागिनी नायक को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला कल के ही ताजा टीवी डिबेट शो का है जहां पर आज तक के प्लेटफॉर्म पर रागिनी नायक और इसी के साथ ही राधिका खेड़ा अपनी अपनी पार्टी की ओर से यहां पर डिबेट में शामिल हुई थी। जहां रागिनी नायक कांग्रेस की ओर से अपना बयान जारी कर रही थी तो वहीं दूसरी ओर राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर डिबेट में नजर आ रही थी। इस बीच अचानक से ये बहस काफी ज्यादा जोरदार मोड़ लेता हुआ नजर आता है और इसी दौरान अचानक से राधिका खेड़ा जो है वो ये कहती हैं कि मैं रागिनी नायक नहीं बन सकती क्योंकि रागिनी नायक राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने का लालच दे करके लोगों से 10,000 रुपए घूस लिए थे और इसी की वजह से इन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है और इस वक्त जनता ये सवाल पूछ रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हर मुद्दे में एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं, यहां तक कि राहुल गांधी जो है वो तो मिस इंडिया की लिस्ट भी निकाल करके देख चुके हैं कि वहां पर भी किसी दलित महिला को मिस इंडिया का खिताब नहीं दिया गया। ऐसे में जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर एसटी एससी ओबीसी राहुल गांधी के साथ फोटो क्लिक करवाना चाहें तो क्या उन्हें डिस्काउंट मिलेगा या सबके लिए सेम रेट है। अब इसको लेकर के काफी ज्यादा ट्रोलिंग कांग्रेस पार्टी रागिनी नायक और राहुल गांधी की होती हुई नजर आ रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता को पैसे पे करने पड़ते हैं। 10,000 रुपए ये जो बात सामने आई है ये काफी ज्यादा बवाल कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा कर सकता है क्योंकि अभी हाल ही में कई सारे राहुल गांधी के साथ फोटोज सामने आई थी जहां पर वो कई सारे लोगों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। इसमें कारपेंटर शामिल थे, इसमें किसान शामिल थे, गरीब जनता शामिल थी और इसमें राहुल गांधी ये दिखा रहे थे कि कैसे वो आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अब रागिनी नायक को लेकर के राधिका खेड़ा का ये बड़ा खुलासा अपने आप में कई सारी बातें करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आम जनता भी जमकर इस वीडियो को शेयर कर रही है और इस पर रिएक्शन दे रही है और राहुल गांधी को लेकर के काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें इसके बाद राधिका खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस वीडियो को शेयर भी किया जहां पर उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा कि बिल्कुल दीदी मैं आपकी जैसी नहीं बन सकती, गाली गलौज की मैडम की चाइनीज कॉपी बनना मेरे बस की बात नहीं, ना तो मैं शहजादे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए NSUI के बच्चों से पैसे उगाही कर सकती हूं, ना ही NSUI चुनावों में भ्रष्टाचार का खेल खेल सकती हूं और ना ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण सस्पेंड होने का कलंक अपने सर पर ले सकती हूं। ये सब आपके ही बस की बात है दीदी। आपको बता दें सीधे तौर पर यहां पर एक बार फिर से टीवी डिबेट में तो जो बातें कही राधिका खेड़ा ने वो तो कही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके बकायदा एक एक बात यहां पर डिटेल में बताई कि किससे रागिनी नायक ने धन उगाही की थी और कैसे उन्हें भ्रष्टाचार और घुसखोरी की वजह से पार्टी से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले रागिनी नायक को लेकर के कैसा वाक्या देखने को मिला था जहां पर उन्होंने आपकी अदालत को होस्ट करने वाले जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर यह आरोप लगाया था कि कैसे चुनावी मौसम के दौरान डिबेट को लेकर के रजत शर्मा जो है वो गाली
देते हुए नजर आते हैं रागिनी नायक को। हालांकि अगर आप इस वीडियो को देखें तो यहां पर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर के रागिनी नायक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, काफी ज्यादा इमोशनल होती है और ये आरोप लगाती है कि रजत शर्मा ने उन्हें भद्दी गाली दी है। ऐसे में ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट जाता है, मानहानि का केस किया जाता है और जब दिल्ली हाईकोर्ट में इन वीडियो को बकायदा निगरानी के साथ देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि कैसे रागिनी नायक ने झूठा आरोप रजत शर्मा पर लगाया और बकायदा कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामलों को लेकर के किए गए हैं या फिर जहां भी इन वीडियो को पब्लिश किया गया है फौरन इसे डिलीट किया जाए, क्योंकि इससे रजत शर्मा को मानहानि का सामना करना पड़ रहा है, उनकी इमेज यहां पर धूमिल हो रही है। अब ऐसे में राधिका खेड़ा का यह बड़ा खुलासा कि कैसे रागिनी नायक जो है वो 10,000 रुपए चार्ज करती है ताकि लोग राहुल गांधी से फोटो क्लिक करवा सके। हालांकि इस बीच देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के कई सारे नेता राहुल गांधी पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया और जिस तरीके से वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं इसको लेकर के भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। सुनिए शहनवाज हुसैन का ये बयान। देखिए, देश में कानून का राज है, जहां भी हमारी सरकार है, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, अगर कोई हमला होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। हम लोग देश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश को आगे लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक चश्मे से देख रहे हैं, हम उस चश्मे से नहीं देखते। कानून कोई भी हाथ में लेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की करें तो उन्होंने राहुल गांधी के यूएस दौरे पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए गिरिराज सिंह का ये बयान। राहुल जी विदेशी हैं, विदेशी यात्रा, विदेश में मन लगता है, देश में उनको नहीं कुछ दिखता है, इसलिए विदेशी चाहत है, विदेशी यात्रा करते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के, जहर फैला कर के विदेश यात्रा पे जाते हैं, देश में तो रहते नहीं, इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनके तमाम नेताओं को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आती रहती है जिससे उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अब एक नया बखेड़ा जो है वो राधिका खेड़ा की ओर से देखने को मिल रहा है, जहां पर उन्होंने रागिनी नायक को लेकर के कई सारे खुलासे किए हैं जिनके वीडियोज इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। राहुल जी विदेशी हैं, विदेशी यात्रा, विदेश में मन लगता है, देश में उनको नहीं कुछ दिखता है, इसलिए विदेशी चाहत है, विदेशी यात्रा करते हैं। ये समय भारत के अंदर उनके द्वारा समाज में विभेद फैला के, जहर फैला कर के विदेश यात्रा पे जाते हैं, देश में तो रहते नहीं, इनका नाम ही विदेशी रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं।